दुर्ग निगम क्षेत्र में 153 करोड़ रुपए की अमृत मिशन योजना प्रारंभ होने के बाद भी शहर के कई क्षेत्रों में जल संकट की स्थिति बनी हुई है। जल संकट को लेकर दुर्ग निगम में कांग्रेस व भाजपा की राजनीति चल रही है। दुर्ग विधायक अरुण वोरा ने सूख रहे तालाबों को लेकर चिंता जताई, जताते हुए नहर के माध्यम से तालाबों के भरे जाने की मांग की। इस पर दुर्ग जिला भारतीय जनता पार्टी के उपाध्यक्ष KS चौहान ने अपनी प्रतिक्रिया कुछ इस प्रकार से दी। अब पछताए क्या फायदा जब चिड़िया चुप गई खेत। आज से 2 महीने पहले कलेक्ट्रेट ऑफिस में मीटिंग थी तालाब के पानी भराव के लिए, उसकी साफ सफाई के लिए, उसमें माननीय विधायक जी भी शामिल थे। आज उनको सूरत आ रही है, आज वो तालाब से तलब हो रहे हैं कि आज इसका साफ सफाई करनी चाहिए। अरे आपको पहले ही साफ सफाई करनी चाहिए थी। दूषित पानी 2 महीने से लाखों परिवार पी रहा है, क्यों? आपकी जवाबदारी थी जो कि आपकी जवाबदारी आपने निभाई नहीं। उसके बाद 140 करोड़ रुपए दुर्ग जिले के लिए अमृत मिशन के लिए आया, वो आपने अभी तक पाइपलाइन नहीं बिछी हुई है, आप अपनी मस्ती में मस्त हैं। और जहां पर 100 HP का पंप लगना चाहिए था वहां 50 HP का पंप लगा हुआ है, ऐसा क्यों? आज तक 3 जो वाटर प्लांट है उसका लोगों ने, जनता ने लाभ नहीं उठाया है जिसमें इतने करोड़ों रुपए लगा हुआ है। आपने जहां पर 77 MLD का पानी चाहिए वहां पर आप 42 MLD का पानी दे रहे हैं। आप, इसका मतलब यह है कि आपकी जो भी, मतलब आपकी जवाबदारी थी आप नहीं निभा पा रहे हैं। ये सरासर आपकी गलती है जिसके कारण हम दुर्गवासी जल के संकट से उभर नहीं पा रहे हैं। जबकि जल के संकट में का एरिया रेड लाइट में है, ये आपको समझना चाहिए और इसका जल्दी से जल्दी निराकरण करना चाहिए। अब तो कर दें।